नर्मदा नदी से रेत खोदने वाली पावर में कंपनी के दलाल के रूप में कह रहे काम लिए नर्मदा नदी में मशीनों की चलने की शिकायत करने वाले ग्रामीणों को खनिज इंस्पेक्टर जेल भेजने की धमकी देते हैं। वही वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम के ज्ञापन दिया। नर्मदा नदी में अवैध खुदाई एवं खनिज अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत स्पष्ट रूप से अपने हर जिले के दौरे में कह रहे हैं कि न भ्रष्टाचार करूंगा न करने दूंगा। यदि कोई अधिकारी काम नहीं करता, भ्रष्टाचार करता है, तो उसे मैं हटा दूंगा और जो अच्छा काम करता है उसे इनाम दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 3 महीने से यह कह भी रहे हैं, जिस जिले में जाते हैं उस जिले में 12 अधिकारियों को नहीं 3-3 अधिकारियों को निपटा के आ जाते हैं, लेकिन उन्हीं के जिले सीहोर में पदस्थ खनिज अधिकारी राजेंद्र परमार और खनिज इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी खुलेआम धज्जियां उड़ाकर पूरे सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा में अवैध उत्खनन करा रहे हैं, मोटी रकम कमा रहे हैं। यदि ग्रामीण इस मामले में शिकायत करते हैं तो खनिज विभाग के खनिज इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हें बंद करा देंगे। ग्रामीण भारी परेशान है। मुख्यमंत्री के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के रेहटी और बुधनी के जजना जहाजपुरा बाबरी सहित दर्जनों गांवों में नर्मदा किनारे एवं बीच नर्मदा नदी में खुलेआम नर्मदा नदी से पोकलैंड मशीन से अवैध उत्खनन हो रहा है। जेसीबी और पोकलैंड मशीन है चलाई जा रही है। ग्रामीणों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। ग्रामीण शिकायत करते हैं तो उन्हें मारने पीटने और उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में रेहटी क्षेत्र के नागरिकों ने नायब तहसीलदार जयपाल उइके को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन देकर संतोष सूर्यवंशी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि नर्मदा नदी में जो मशीनें चल रही हैं उन पर रोक लगाई जाए, अन्यथा हम आपके कार्यालय के बाहर बैठकर धरना देंगे। क्षेत्र की जनता ने नायब तहसीलदार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि 5 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्षेत्र के लोग तहसीलदार कार्यालय के बाहर धरना देंगे। तहसीलदार ने जनता को विश्वास दिलाया है कि मैं आपकी समस्या को कलेक्टर तक पहुंचा दूंगा, मैं कार्रवाई करने का अधिकार लेकर साहब को है मुझे नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिले में अधिकारी इस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार में लिप्त जिलों के कलेक्टर से लेकर तहसीलदार खाद अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को निलंबित करने का काम कर रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री को अपने जिले की तरफ निगाह नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री को इस भ्रष्टाचार की कोई जानकारी उनके नेता नहीं दे रहे हैं, या फिर यह मान लिया जाए कि खनिज विभाग के अधिकारियों से लेकर वहां बैठे समस्त नेता इस बंदरबांट में और इस भ्रष्टाचार में बराबर के हिस्सेदार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कम से कम अपने जिले पर तो निगाह डालनी ही चाहिए और वहां हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए एवं नर्मदा नदी का सीना छन्नी करने वाली पावर में कंपनी एवं खनिज इंस्पेक्टर एवं अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि नर्मदा नदी में मशीनें चलने वाली रेत माफियाओं में भय बना रहे। चल रही सर बहुत हो रही थी और पुलिस आगे रह के चलवा रही और गांव वालों को दबिश देती पुलिस वाले। ये कौन सा नियम? तो मेरे पास फोन आया तो उन्होंने बोला तुम क्यों गए वहाँ, मशीन बंद करवाने गए। मशीन ना चलेगी, लेबर से काम चलेगा, लड़ाई चलेगी, कैसे भी तुम रेत का परिवहन करो हमें कोई मतलब नहीं। कुमार यादव जिला पंचायत सदर बाढ़ क्रमांक 13। यादव जी, कमलेश जी, ये बताइए कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके नर्मदा क्षेत्र का, क्या मामला है पूरा? अभी जाजना गांव में रात को क्या करते हैं, पावर में कंपनी के थ्रू रात को पोकलेन उतार के जेसीबी चलाई जाती है, वहां रेत भरी जाती है और नियम अनुसार रेत नीति में ये लिखा गया है कि मशीन से भराई नहीं होगी, वहां की लोकल लेबर भरेगी। उसको लेके हमने ज्ञापन दिया था तो उसमें प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, ऊपर भी ज्ञापन दिए वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं। सब पावर में कंपनी से मिले हुए हैं, उसमें हमने माइनिंग इंस्पेक्टर को भी सूचना दी गई तो उसमें माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा भी गांव वालों को धमकाया गया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो इसको लेकर जो माइनिंग इंस्पेक्टर सूर्यवंशी है, इसकी आपने और ग्रामीणों ने जो शिकायत की उस पर कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, परसों ज्ञापन देने के बाद रात को तो और 2 मशीनें उतारी हुई। मतलब ये कि ये जो
खनिज विभाग के अधिकारी है, वो सब मिली भगत है, वो मतलब पावर मेक के दलाल है, दलाल है, उनके गुलाम है। मशीनें कब कब चलती है? ये रात को उतारते हैं 10-11 बजे। हमने उनसे नियम वाली बात करी है कि आप लोकल गांव वालों को काम दिया जाए। हम कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप हमें पैसा दो या किसी को पैसा दो, हमारा ये कहना है कि जो गांव वालों उनको रोजगार मिले। मतलब गांव वालों को रोजगार नहीं देके सरते रखी हमने, गांव वालों के माध्यम से रखी और गांव वाले खुद आए थे। मतलब नर्मदा नदी में सरेआम चल रही है जैसे भी, और वो भी खनिज अधिकारी को बिल्कुल बिल्कुल उनकी मिली भगत से चल रही। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो और गांव वालों को रोजगार मिले, और ये भ्रष्ट अधिकारी ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए।